नमस्कार, आप देख रहे हैं देसा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज नवरात्रि का सातवां दिन है। आज माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्र में नौ अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ऐसे में जो बिहार का नवरात्र है वो देखते ही बनता है और पटना में अलग अलग तरह के पंडाल जो है वो अलग खास नजर आते हैं। और इसी का एक जो एक मान ले एग्जाम्पल है, ये पटना के यारपुर का राम मंदिर के तर्ज पर बना हुआ ये पंडाल हर साल कुछ ना कुछ पटना में खास देखने को मिलता है। पटना के अलग अलग जगहों पर जो है वहाँ से तस्वीरें निकल कर सामने आती है, जहाँ पर अलग अलग पंडाल की अलग खूबसूरती होती है। और कभी कहीं का मंदिर बना होता है, कभी किसी अलग अलग मंदिर की तर्ज पर जो है वो बनकर तैयार होता है पंडाल। लेकिन इस बार अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर ये पंडाल बनकर तैयार हुआ है और ये पंडाल देखने में काफ़ी ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देख सकते हैं आप इसकी खूबसूरती कि अयोध्या का राम मंदिर, बता दें कि अयोध्या का राम मंदिर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में उस वक्त आया था ये मामला, जब काफ़ी दिनों के बाद इसकी नींव रखी गई थी। और इसी के तर्ज पर अब जो है ये दुर्गा पूजा में पटना में पंडाल बनकर के तैयार हुआ है। यहाँ पर जो संयोजक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो राम मंदिर, जो अयोध्या का राम मंदिर है, उसके तर्ज पर ये पंडाल बनाने का ये आइडिया कहाँ से आया, ये बताइए। ये आइडिया हम लोग मोदी सरकार को देखें कि वो इतना अथी कर रहे हैं, मतलब कि राम मंदिर पर इतना अथी कर रहे हैं, तो हम लोग भी सोचे कि इस बार दुर्गा पूजा में राम मंदिर तट पर पंडाल बनाया जाए, यही आइडिया आया है जी। तो अभी तक कितने लोग आ चुके हैं इस पंडाल को देखने के लिए, क्योंकि अलग है बिल्कुल। इस पंडाल पे रोज मीडिया वाले आते हैं, रोज देखते हैं और प्रचार भी ज्यादा हो रही है। ऐसे लोग कितने आ रहे हैं ये बताइए। लोग तो हमेशा अभी तो रात भर आते रहे, अभी तो फाइनल मतलब कि हो गया, कल रात में हुआ, लेकिन लोग हमेशा आ रहे हैं, देख रहे हैं लोग, लगभग 50-60 लोग लोग रोज आते हैं रात तक। अच्छा, इसकी तैयारी कब से चल रही है ये? इसकी तैयारी एक महीना पहले से चल रही है। एक महीने पहले से चल रही है। कारीगर कहाँ से आपने बुलाए? कारीगर दो झारखंड के, बाकी लोकल कारीगर हैं। अच्छा, झारखंड से भी आपने कारीगर बुलाए हैं। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर ये जो पंडाल है ये बनकर तैयार हुआ है। बिहार के पटना में अलग अलग तरह के जो पंडाल है वो उसके लिए जो है पटना मशहूर है। बिहार का दुर्गा पूजा जो है वो पश्चिम बंगाल के बाद जो है सबसे ज़्यादा मशहूर कहा जाता है और अलग अलग पंडाल देखते ही बनता है बिहार में। और इस बार राम मंदिर की तर्ज पर जो है वो ये पंडाल बनकर के तैयार हुआ है। देसवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देसवा न्यूज का मकसद नहीं, देसवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।